useless. I give you scrap up back. तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एसे टीच पर। तो आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन का एक टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ कौची रीमान इक्वेशन टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मतलब कि प्रसामादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए कौची रीमान समीकरण का अनुप्रयोग। कि इसके अंदर क्या होगा, हमें जैसे कोई भी एक वास्तविक मान फलन दे देगा, जैसे बोलेगा कि आपको यू कुछ दिया हुआ है, तो आप अब इसका जो कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वी, वो फाइंड करो, और टोटल जो पूरा जो एनालिटिक फंक्शन क्या है वो हमें लिख के बताओ, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके एक ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये परमेय देखते हैं, ये परमेय नहीं, आप इसको एक मेथड ही मान के चलो, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का ये मेथड ही एक तरीके से। तो क्या है कि यदि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी विश्लेषिक फलन है, मतलब कि एक एनालिटिक फंक्शन है जहाँ दोनों यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई संयुग्मी फलन है, समझ गए, कॉन्जुगेट फंक्शन है, माना इनमें से एक यू एक्स वाई दिया हुआ है, तब वी एक्स वाई को ज्ञात करना। तो यदि यू एक्स वाई दिया हो तो वी एक्स वाई को कैसे ज्ञात करें। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि यू एक्स वाई तो हमें दिया है, और वी एक्स वाई, वी क्या है यहाँ पर, एक्स और वाई दोनों का फलन है। तो वी एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि वी एक्स तथा वाई का फलन है इसलिए जो dv का जो अवकलन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब कोई फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो उसके अवकलन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या करता है, कौची रीमान इक्वेशंस को संतुष्ट करता है, जो क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें क्या पता है कि डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वैल्यू तो हमें यू की दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू का उपयोग में लेने के लिए हम क्या करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स जो जहाँ जहाँ वी है ना इसमें, ये दोनों यहाँ पर हम यू लेके आएंगे, कैसे, कौची रीमान समीकरण की सहायता से। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स को कौची रीमान समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई क्या लिख सकते हैं, हम डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इसका जो RHS है राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि m बराबर तो हमारे पास में क्या आया, डेल यू अपॉन डेल वाई, वो भी माइनस का, n क्या आया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको शो करने की कोशिश करेंगे कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। फिर हम इसका समाकलन कर लेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, वी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू और डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो ये क्या हो गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है। अब चूंकि एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, और हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो भी एनालिटिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा उनके जो ये वास्तविक मान फलन होते हैं यू और वी, ये क्या होते हैं, हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, जो लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर यू है वो क्या करेगा, लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यू जो एक वास्तविक मान फलन है एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का, तो ये क्या करेगा, यू लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं। प्लस ये क्या हो गया, डेल टू वी अपॉन सॉरी डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू बराबर जीरो, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू अपॉन
डेल एक्स टू बराबर माइनस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ठीक है। अब यहाँ ऊपर देखो, डेल माइनस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू तो क्या है, डेल अपॉन डेल वाई यहाँ रख देंगे और डेल एन अपॉन डेल एक्स इसके बराबर, तो इसको हम यहाँ रख देंगे। तो इससे क्या निकल के आया, डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एम अपॉन डेल वाई। और ये कहाँ की कंडीशन आ गई, ये आ गई हमारे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये जो हमारे पास में ये दिया, ये जो है ये समीकरण है, जो अवकल समीकरण दिख रहा है, ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का समीकरण है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डी वी बराबर क्या, इसका समाकलन करके, एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सिद्ध करेगी फलन यू एक्स वाई बराबर कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्रश्नवादी फलन है तथा इसका प्रश्नवादी संयुग्म भी ज्ञात करेंगे। तो प्रश्नवादी फलन है कि नहीं है, ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो यू है वो लाप्लास इक्वेशन को अगर संतुष्ट करता है तो ये प्रश्नवादी फलन होगा, और अगर नहीं करता तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यू यू एक्स वाई तो क्या दिया है हमको, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है ना। तो हम पहले निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला हमने, तो क्या आया हमारे पास में, माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू क्या आएगा, माइनस का कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू क्या आएगा, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू करते हैं तो क्या आता है, ये दोनों सेम है और एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या आता है, जीरो आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो यू एक्स वाई है ये क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो पहली बात तो हमने सिद्ध कर दी कि हार्मोनिक फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि U का प्रश्नवादी संयुग्मी क्या होगा, तो माना V इसका प्रश्नवादी संयुग्मी है, प्रश्नवादी संयुग्मी है, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि जैसे हम इसको क्या लिख देते हैं, जैसे परमेय में हमने क्या लिखा था, इसको डेल U बराबर माइनस का डेल U अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई, ये लिखा था। तो डेल यू अपॉन डेल वाई तो हम ये लिख देते हैं, क्या आ गया, माइनस का कोस एक्स, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक वाई, डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा, माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई डी वाई, ठीक है। और ये क्या है, एक ये है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों ये आ गई हमारे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तो क्या है हमारे पास में, m, इसको बोलेंगे n, ठीक है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, px फाइंड करेंगे। अब px कैसे निकालते हैं, m का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। m क्या है हमारे पास में, माइनस का cos x sin hyperbolic y, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस बाहर cos x sin hyperbolic y dx। एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये तो हम निकाल लिया पी एक्स। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, इसमें पी का करेंगे वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। तो पी क्या था हमारे पास, माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो साइन हाइपरबोलिक वाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक वाई। तो डेल पी अपॉन डेल वाई क्या है हमारे पास में, माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, n में से डेल पी अपॉन डेल वाई को माइनस करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, तो माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई यहाँ हमने लिख दिया, माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही, माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रहा माइनस का, तो ये कट जाएंगे आपस में, उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, करेंगे क्यू एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। क्यू एक्स कैसे निकालेंगे, n माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई जो ये निकाला है हमने, इसका y के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ये तो जीरो था, इसका जब समाकलन करेंगे तो जीरो का समाकलन जीरो, ठीक है।
अब ये सब हो गया ना, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, v बराबर क्या होता है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स होता है, ठीक है ना। तो पी एक्स की वैल्यू तो क्या है हमारे पास में, माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, वो तुमने यहाँ लिख दी, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो v की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से, माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, और यही हमारा क्या है, u का प्रसंवादी संयुग्मी है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इस प्रकार से आप किसी भी फलन का प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।